इस पे साफ आएगी तुम्हें आवाज, बताओ। ठीक है, चलो शुक्र है, ठीक। चलो शाबाश, अब मेरा जान मुझे बताओ। अब फिर क्या बताऊं, क्या चाहते हो ये बताओ। तुम्हारी मोहब्बत में मैं इस तरह जलील और ख्वार तो नहीं हो सकती ना, बहुत मैं कल तुम्हें घर ले लेता हूँ। किस लिए, कहाँ ले दोगे घर? इस्लामाबाद, लाहौर। लाहौर तुम्हारा कौन रिश्तेदार बैठा हुआ है? आप? मेरा तो कोई नहीं बैठा हुआ वहाँ पे, पंजाबाद को। अच्छा, फिर उसे क्या होगा? उसे यू स्टार्ट लिविंग देयर। अच्छा, देन आई बी विद यू। व्हेन? मतलब क्या मतलब है? रात रात के मैं तुम्हारे पास तुम झूठ बोलते हो राजा बिचारा। तुम लाहौर की तो ख्वाहिश जो है ना, कि तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं पूरी होगी, वो तो तुम बिल्कुल इस बारे में सोचना ही छोड़ दो। ठीक है, जहाँ तुम वहाँ, दिस इज समथिंग आउट ऑफ क्वेश्चन बेबी। सो ये अपने आप को एमी फजूल का जो है ना दिलासा देना छोड़ दो तुम। अगली बात करो ना स्वीट हार्ट, अगली बात करो। हेलो, जाने मन बताओ ना। हेलो, फिर एक सेकंड, मुझे इस तरह जो किसी हाथ के अंदर से ना उंगलियां काट दी हैं। अल्लाह, कब? एक दो दो उंगलियां और बाकी तली में ना इस कदर शदीद पेन, और बाकी नेक, और नेक तो बिल्कुल लकड़ी है। ये कम कमाइयां करो ना, ये कम कारोबार करो, ये करोड़ों की बातें कर करके तुम्हें पता ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। नहीं नहीं, करोड़ों की बात नहीं, सारा दिन नहीं थी, अभी 15-20 मिनट की बात नहीं। कल भी आपको आपका पता है, ये शाम को सारा दिन तुम ये कह के गायब रहे कि मेरी तबीयत ही बड़ी खराब है। यार मेरी तबीयत और खराब थी, मेरी क्या और खराब थी? कल मेरी टांगे लग खराती थी। अच्छा, फिर तो क्या किया तुमने? ओके, तो फिर क्या किया फिर तुमने? कुछ नहीं किया यार। अगर वो टांगे लड़कर आती थी तो इसका मतलब है कि मैसेज कर दो, टेलीफोन का जवाब ना दो सारा दिन। टेलीफोन टांगों से होता है? नहीं यार, बंदे थे ना। कौन से बंदे थे? राजा बशारत बंदे थे तो होते रहे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? और पूरे दुमियार को, पूरी बरादरी को मेरा पता है। नासिर माय फॉल्ट, मैं क्या करूँ? नासिर ने तुम्हें मना किया, अब मुझे नासिर को पकड़ के पूछना पड़ेगा कि भाई उसने मना किया। तो फिर क्या हो गया नासिर साथ था? तो मुझे तो कोई इतराज नहीं नासिर के साथ होने। क्यों, तुम कौन होते हो नहीं करने वाले? तुम्हारे को नया सुन है कि मुझ पर मत लगाओ, समझ आई? ये तमाशबीनियां बीवियों के साथ नहीं चलती नासिर बशार, समझ आई तुम्हें? और ये जिस बिरादरी के रोने रोते हो ना, द होल बिरादरी नोज दैट आई एम योर वाइफ। और सारी बिरादरी को ये भी पता है कि तुमने मेरे साथ किया क्या है। ठीक है, क्या वजह हो सकती है? राजा की शरारत की वजह ये होती है कि जिनके साथ तुम रह रहे हो ना, जिनके लिए तुमने दूसरों को किया, तुम पे जादू करते हैं। ठीक है, जिनका तुमने खुद बोला था, मैं बताती हूँ ना तुम्हें। जब तुम खुद बोलते हो कि जी तुमने सीरियां देखी तो पाए देखे तो रोज इस तरह से, तो पे भी अब इसमें रोना रोने वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारे साथ हमेशा से होता, छोड़ो पर दफा करो, रोज होता। कोई आज पहली दफा दर्द हो रही है जो सुना रहे हो बार बार, इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हो, जो काम की बात है वो कर रही है। नहीं, हाइप क्रिएट नहीं, फिर वही शुरू। आप यकीन करेंगे मेरी चीख निकल जाती है? तो फिर चीख मार लो ना, एक दफा मार लो चीखें। वो एक दफा नहीं, वो इस तरह आता है, ब्रस्ट सा आता है ना, जो स्मोक भी होता है, इस तरह ब्रस्ट सा आता है, उससे चीख निकलती है। चलो चीख मार लो, मैंने कोई कहा चीख ना मारो? नहीं, मैंने कोई इतराज किया चीख ना मारो? रात को मैंने ख्वाब देखी है यार। चलो छोड़ो ना, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो, ये खबर नहीं। मैंने जो बात पूछी है राजा बिशारत यार, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं देना मैं दूंगा। पहले मेरी बात का जवाब दो, वो ज्यादा जरूरी है, वो आप जरूरी नहीं है। ओके, एक सेकंड यार, मैं अगर आप सुन रही है तो क्या फर्क पड़ता है? राजा बिशारत, मैं जा रहा हूँ, एक गली है। खुदा हाफिज यार, मैं तुमने खुद ही कहा मैं जा रहा हूँ, तुमने खुद ही कहा मैं जा रहा हूँ। नहीं जाना, मैंने ख्वाब की बात। अच्छा सुनाओ। अच्छा, जा रहा हूँ मैं एक गली है, मैं उसमें जा रहा हूँ, आगे से यूसुफ रजा गिलानी है, ये बकायदा सूफी बूटे ला रहा है। अच्छा ठीक है,
ये मेरे पास होगा, मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। ओके, सीधा आगे एक जहाज खड़ा है, ATR जहाज है, उसमें काफी सारे लोग आगे बैठे हुए हैं। बोर्डिंग नहीं शुरू हुई होती, ये सीधा बोर्डिंग करता है, आगे ऊपर चढ़ जाता है, पीछे मैं भी चढ़ जाता हूँ। वो आगे सारे वाकफ बैठे होते हैं, जिस तरह मतलब है, ये सवारियां नहीं है, मतलब इस तरह वाकफ सारे बैठे हुए। तो वो मतलब कोई कहता है कि आगे हो जा भाई, इधर हो जा, उधर हो जा, इधर बैठ जाओ, एडजस्ट हो जाए, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। और साथ ही मतलब वो बंदा कहता है टिकट, कोई बंदा बोलता है छोड़ो टिकट, बस हो गया, सारे चढ़ के बंद करो इसको, वो दरवाजा बंद होता है, जहाज टेक ऑफ कर जाता है। वो जैसा टेक ऑफ करता है ना, तो एक बंदा बोलता है कि अगर ये यहाँ से गिर गया तो सारे नीचे देखने लग पड़ते हैं। फिर उस बंदे को सारे कहते हैं यार इंसान का बच्चा बन, ये तो अच्छा अच्छा, और आंख खुल जाती है। उसका मतलब ये कि अल्लाह ने तुम्हें दिखा रहा है कि तुम यहाँ से ज्यादा ऊंचा ना उड़ो, तुम नीचे भी गिर सकते हो। अच्छा फिर क्या करूँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा फिर बस क्या, बस और क्या है इसका, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है राजा विश्वरथ? नहीं तो इसका मतलब आप बताए ना, आप तो जाते हैं। मैं बताती हूँ, मैं तो वही बात कर रही हूँ ना, जो तुम्हारी तुम्हारी मेरी कमिटमेंट थी, मैं तो उसके मुताबिक ही बात कर रही हूँ, मैं तो अभी भी उसी कमिटमेंट पे खड़ी हूँ। ये तो नई नई बातें तो तुम निकालते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब बार बार तुम स्टेटमेंट्स बदलो तो बंदा क्या करे, कभी तुम कुछ कहते हो, कभी तुम कुछ कहते हो, कभी तुम कुछ कहते हो। झूठ बोल रहे हो तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। पिछले दो महीने से पहले तुमने कहा मैं घर ढूंढ रहा हूँ किराए का, ठीक है, उस वक्त तो चलो लेने की भी बात नहीं थी, किराए का घर था। किस हद तक जाके तुमने झूठ नहीं बोला, एग्रीमेंट तक साइन कर दिए, बताओ वो घर किधर है राजा बिशारत? खत्म हो गई डार्लिंग, किसने खत्म की है बेबी? मैंने। तुम कौन होते हो खत्म करने वाले? और अगर वो तुमने खत्म कर दी है तो इस बात की क्या गारंटी है कि अभी तुमने झूठ नहीं बोला? क्या गारंटी चाहते हो इस बात की? मैं तो तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि बिठाओ चार बंदे और उनके सामने बात करो, क्योंकि तुम तो दो मिनट से पहले मुकरते हो।